हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इधर मैं मेहंदी लगा के आ गई हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने मेहंदी लगा के आ गई थी क्योंकि इसके पापा आ गए थे और कहते हैं मुझे, और मैंने ये मेहंदी भी 2 दिन पहले लगवा ली, यानी जैसे आज लगवाई है कल लगवानी थी, परसों करवा चौथ है, तो मैंने 2 दिन पहले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो, तो लेकिन मैंने अपने हिसाब से 2 दिन पहले मेहंदी लगवा लिया है क्योंकि इसके बाबा बोले तू आज ही काम ख़त्म कर ले, क्योंकि लड्डू का कुछ नहीं पता। एक तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कई बार चिड़चिड़ाती है, और जब कोई काम होता है ना जब ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 1 दिन 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेती हूँ। और इधर मैं दिखा रही थी आपको अपनी मेहंदी कि मेरी मेहंदी ऐसी लगी है, कलर पता नहीं कैसा आएगा मेहंदी का। और मैं इसे ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, ज़्यादा से सिर्फ 2 घंटे रखूँगी, और इसके बाद मुझे कोई काम ही नहीं है क्योंकि काम सारा करके गई थी। और बच्चे नैतिक को सो गया था, नैतिक और नियति मेरी सो गई थी। और यहाँ मैं टाइम दिखा रही हूँ, 10:30 बज रहे थे, और इधर इसके पापा मुझे खिला रहे थे खाना। वो कहते क्योंकि मैं खाना खा के नहीं गई थी ना, उन्होंने खाया था, हम दोनों रह गए थे। फिर उन्होंने खाया भी नहीं क्योंकि कई बार ये अब हल्का ही खाना खाते हैं, रात को खाते नहीं हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे तो खाना चाहिए। और इधर देखिए, इधर मैं अपनी मेहंदी दिखा छुटा दी थी मैंने, और देखो कितना अच्छा कलर आया। इनकी मैं दिखाती हूँ कि मेरी मेहंदी में कलर कैसा आया है, और मेरी अच्छी लगी थी मेहंदी। इसके बाद नैतिक के पापा ने बोला चलो अब हम चाय पियेंगे, क्योंकि रात को इसके पापा देखते हैं सीरीज़, और कहते हैं मैम कि चलो अच्छा है, मेरा भी मन कर रहा है चाय पीने का। तो इधर मेरी बन रही थी चाय, जो कि मैं शाम को, ये शाम को कई बार लेते नहीं हैं इसके पापा, और तो मैंने कि चलो मैंने भी आज शाम को नहीं, ये मैंने भी स्किप कर दी थी, कई बार होता है ना स्किप हो ही जाती है। मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मैं ले चाय, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मन हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं, चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इधर भी चाय खूब अच्छे तरीके से पकड़िए, मैंने कहा चलो अब हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय, और मैं आपको दिखाऊँगा कि मेहंदी की फ़ोटो, बताना आप कैसी लगी। इधर मेरे दोनों बच्चे उठ भी चुके हैं सो के, एक एक नींद पूरी लेके, मैं कि अब हम सो लिए बस। और इधर मैं होने लगी थी रेडी, इधर मैं सबसे पहले पहनी अपनी चूड़ियाँ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बताना मेरी चूड़ियाँ आपको लगी कैसी। और ये मैंने अपनी मम्मी से मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे लूँ, और मैंने यहाँ पे लगा दी नेल पेंट, और कहते हैं उसके बाद कहते हैं मैंने पहने कानों में बड़े बड़े एयरिंग्स, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कानों में एयरिंग्स पहने हैं मैंने, और मैंने लगाया बालों में गजरा भी, और मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक, इधर देखिए मेरा ये फाइनल लुक। और मम्मी कर रहे थे कथा, जो कहते हैं करवा चौथ की कथा होती है, इधर हम पूजा करने लगे थे मैं और मम्मी, और देखो लड्डू मेरा पीछे इधर से उधर घूम रहा है, क्योंकि वो है ना इसकी देख रेख करनी पड़ती है, क्या करें, छोटा बच्चा है, हमारे भी कुछ ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाती। और इधर मैं सूरज भगवान को जल भी दे दिया मैंने, और मेरी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और क्या कहते हैं, ये है मेरा मेकअप, मैंने जो ये इयररिंग्स डाले हैं, और कहते हैं साड़ी, ये साड़ी मेरे को मम्मी ने दी थी, और बस ये मंगलसूत्र, और हाँ मैंने गजरा लगाया, ये नहीं मिस करती, ये मैं लगाती हूँ हर बार, लेकिन ब्लॉग में पहली बार डालूंगी।
जब से चैनल चालू कराया, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में करा है। जो पहले करा था वो मेरा पता नहीं कैसे मिस हो गया, मिला ही नहीं दोबारा, तो इस वजह से। और आपको मेरा मेकअप कैसा लगा आप बताना ज़रूर। और मैंने पूजा कर ली, मैंने और मम्मी ने, मम्मी और मैं ही पूजा घर पे ही कर लेते, कहीं हम जाते नहीं है। और मैं मोस्टली खाना भी, आधा खाना कंप्लीट हो गया, यानी मैंने कड़ी बना दी, आलू गोभी की सब्जी बना दी, बाकी काम मैं करूंगी बाद में जब इसके पापा जाएंगे, वो लड्डू को संभालेंगे। क्योंकि लड्डू से हम, लड्डू के नैतिक की दोनों ही की तबीयत खराब है। रात को नैतिक साइकिल से गिर गया तो उसके सर में चोट लगी है, तो वो कहता मम्मी मेरे दर्द है सर में, तो कहता है फिर मैं उसको रात को दवाई दिलवा के लाई, और कहता है लड्डू तो रहती है क्योंकि इसके जाड़ दांत निकल रहे, ये निकल रहे हैं, क्या बोलते हैं साइड में, ये निकल रहे हैं, तो वो इस मारे परेशान कर रही है। अभी छत पे आई है और आते आते घोड़े से भी गिर गई, इसका तो गिरना पड़ना चालू रहता है। अब वो खेल रही है और मैं हूँ ऊपर छत वाले कमरे पे, मैं थोड़ी देर खेल, हाँ बैठ जाओ लड्डू। हेलो एवरीवन, अब हम कर रहे हैं चांद का बेट जो अभी तक नहीं निकला है, और मैंने कर ली तैयारी, यानी जो मैं मम्मी को देती हूँ और कहते हैं दीपक दीपक जो बनाते हो उन्हें बना लिया है, मैं दिखाऊंगी। निकल गया पापा, ओए चांद निकल गया, चांद निकल गया, चलते हैं। यहाँ सब हम कर रहे हैं चांद का वेट, चांद नहीं निकला पापा, कहीं तक नहीं निकल रहा, कहीं तक उजाला तो हो रहा है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ऊपर, निकला ही नहीं अभी तक, देखो कब तक निकलता है, हालत खराब हो गई है। मैं अभिषेक को फोन किया, मैंने कहा अभिषेक मैंने तू इस कहाँ है, कह रहा भाभी मैं स्कूटी पे हूँ, मैंने कहा तू यूं देख चांद निकल गया, कहीं तुझे स्कूटी पे दिख रहा होगा, कह रहा मुझे कहाँ दिखेगा तुम्हें दिखेगा, मैंने कहा बावले तू घूम रहा है तुझे चांद नहीं दिखेगा, कह रहा भैया मुझे कहाँ दिखेगा यहाँ पे। कहाँ चढ़े पड़े चांद देखने के लिए, सब अपनी अपनी छत पे है, सब अपनी, निकल तो गया है लेकिन क्या था वो ना दिख नहीं रहा, ऊपर को आएगा जब दिखेगा। और काफी देर बाद मुझे भी आखिरकार मेरा चांद दिख ही गया, चांद दिखे सा, और सबको कहते पता है हमारा ये घर जो है ना वो नीचे पे है और यहाँ पे सबके फ्लैट बन गए हैं, तो सबको दिख चुका था, हमारे सामने भी सारी दीदियों को दिख गया था, मुझे नहीं दिखा था, मैं कि नहीं मैं अपनी छत से देखूँ, वो बुला भी रही थी वो कि आजा पूनम यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, मैं कि नहीं दी मैं वेट कर लूँगी थोड़ा सा, ये ना कि त्यौहार होता है कुछ भी होता है तो उसकी जो पूजा होती है मेन पूजा अपने घर से ही करो तो अच्छा लगता है। फिर हमारे से पापा थोड़े से शर्मीले भी हैं नैतिक के पापा, वो कहीं जाते ही नहीं है, मैं कि फिर उन्हें कहाँ लेके जाऊँगी मैं, तो मैं कि चलो मैं अपने छत से करूँगी, और फिर मुझे भी छत से चांद दिख गया, उसके बाद मैंने करी पूजा और फिर मैंने उसके बाद दिया चांद को अर्घ, जो कि सभी करते हैं, मोस्टली सारी लेडीज़ करते हैं और करना भी चाहिए, जो नहीं करता उसे भी करनी चाहिए। ओके ये वैसे साल में एक ही बार आता है ये त्यौहार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सारी लेडीज़ों के लिए। और आप सभी बताइए आप सबने किस तरह से किया त्यौहार, कैसे किया। मेरे तो हर साल का इसी तरीके से रूल होता है, जब कहते हैं स्टार्टिंग से ही मैंने इस तरह से किया, हालांकि मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ हैं वो इस तरह से नहीं करती हैं, वो सिर्फ कहते हैं चांद को कहते हैं लोटे से जल देके और अपना व्रत खो लेते हैं, लेकिन मैंने शुरू से उस तरह से किया जिस तरह मेरी मम्मी करते हैं, मेरे मायके में होता है, मम्मी में, मैं तो मम्मी को ही देखते थे हम, तो इस तरह से हमने किया। उसके पापा, इसके पापा और मैं चले गए नीचे क्योंकि मेरी पूजा हो गई थी, क्योंकि इसके बाद हमें कैलेंडर की पूजा भी मैं शाम को ही करती हूँ, और इसके बाद में जो भी कुछ करना होता है इसके पापा के टीका लगाना होता है तो वही करते हैं। और कहते हैं मैं पैर छूने, इधर में इसके पापा की छोटी थी पैर, और उन्होंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चांद निकल गया और हमने भी पूजा कर ली और अर्घ भी दे दिया है चांद को, और अब हम खाएंगे खाना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, और आप मुझे बताना जरूर आपको मेरा ब्लॉग लगा कैसा, हैप्पी करो चौथ।